हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संजीव बत्रा। देखिए, अगर आपको कहीं कुछ जॉइंट्स पेन होते हैं, घुटनों में या फिर हाथों की छोटी उंगलियों में या पैरों की छोटी उंगलियों में, कहीं पर भी जॉइंट्स पेन होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर घुटने में जॉइंट पेन हो रहा है, कहीं आप चलते फिरते हो तो कट कट की आवाज़ आती है, तो जो कट कट की आवाज़ आती है वो सिम्टम होता है कि कहीं ना कहीं आपका बॉडी में कार्टिलेज घिस रहा है। कार्टिलेज होता है ऊपर की और नीचे की दोनों हड्डी घुटने की जो होती है उसके बीच में एक प्रोटीन से बना हुआ एक वो होता है, गद्दी होती है, जिसे आप कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो गया घुटने का, तो वो धीरे धीरे घिसने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आप चलते फिरते हो तो ऊपर की और नीचे की हड्डी आपस में टकराती है और फिर आपको कट कट की आवाज़ या फिर आपको पेन होता है काफ़ी ज़्यादा। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन होता है वो एक अलग पेन होता है, और जो सिनोवाइटिस का होता है वो अलग होता है। सिनोवाइटिस में स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि उसमें पानी भर जाता है घुटने में, और उसमें कार्टिलेज का ऐसा कोई नहीं होता कि कार्टिलेज घिस रहा है। दूसरा, अगर वो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से घुटने में पेन हो रहा है तो वहाँ पर आपको रेडनेस होगी उस एरिया में, और आप छूओगे तो आपको दर्द होगा, और कुछ लोगों को मूवमेंट से पेन बढ़ जाता है, कुछ लोगों को मूवमेंट से पेन में आराम मिल जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स कलेक्शन होता है, आपसे डिटेल में बात होती है और केस हिस्ट्री फॉर्म भर के सिम्टम कलेक्शन करते हैं और आपको आपकी बीमारी के बारे में समझाते हैं कि ये क्या है और क्यों हुआ है। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं घुटने के पेन में, जॉइंट्स पेन में, आपको जो छोटी उंगलियों में पेन होते हैं और पैरों की छोटी उंगलियों में पेन होते हैं या हाथों के छोटे जॉइंट्स में पेन होते हैं। तो ये होता है यूरिक एसिड, जो कि ज़्यादा यूरिक एसिड जब बॉडी में बनता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है छोटे जॉइंट्स में, स्पेशली जो उंगलियों के और पैरों की उंगलियों के, जो फिंगर्स के जो छोटे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाएगा और फिर सूख जाता है, फिर इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, फिर ये पेन क्रिएट करता है। तो ऐसी कंडीशन में यूरिक एसिड चाहे आपके यूरिन में बढ़ा हुआ है या ब्लड में बढ़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में आपको बहुत अच्छी रेयर होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं और क्लिनिकली और साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। तो इसको आप अगर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं करना है। बीमारी को समझना और उसके कारण को समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अगर कुछ रिपोर्ट्स हैं और अगर आप कहीं जा रहे हो अपने घुटने बदलवाने, शुद्ध लैंग्वेज में मैं अगर आपसे बात करूं, तो अगर आप जा रहे हो घुटने बदलवाने तो एक बार मुझे आप कॉन्टेक्ट कर लेना 8700680924, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मुझे अपनी कंडीशन के बारे में डिटेल में यहाँ पर टाइप करके बता सकते हैं या फिर एक वॉइस मैसेज दीजिए, और कुछ रिपोर्ट्स आपने करवाई हैं, टेस्ट हैं, यूरिक एसिड के MRI है, CT स्कैन है, कुछ भी है, तो आप वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उसको देखने के बाद फिर आपसे मैं बात करूँगा और बात करके जो केस हिस्ट्री बनाएंगे, सिम्टम कलेक्शन करेंगे, और ये मेडिसिन आपके रूट कॉज पर काम करेगी और बीमारी को जड़ से काम करेगी। ठीक है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कभी भी व्हाट्सएप पर। थैंक यू।